हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी, लेस। सबसे पहले ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट था मेयर, जबकि रेनर के द्वारा इसको संक्शन प्रेशर भी बोला गया है। रेनर ने इसको संक्शन प्रेशर भी बताया है। आप देख रहे होंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का डेफिनेशन है रिडक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। रिडक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट बाय एडिंग सॉल्यूट इनटू इट। अगर मान लो एक सैंपल, दो सैंपल हम ले लेते हैं, दोनों सैंपल में हम प्योर वाटर डाल देते हैं, सिमिलर अमाउंट ऑफ प्योर वाटर। मान लो 50 ml प्योर वाटर इसमें भी है और 50 ml प्योर वाटर इसमें भी है, दोनों में 50 ml प्योर वाटर है। तो इस प्योर वाटर में हमने क्या किया, कुछ सॉल्ट मिला दिया। तो जब आप सॉल्ट मिलाते हो तो पहले जो इसका डिफ्यूजन प्रेशर था, प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर था वो कंपेरेटिवली हाई था, जबकि जैसे ही हमने सॉल्ट मिलाया तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम गया, जबकि इसका डिफ्यूजन प्रेशर एज कंपेयर टू इसके हाई है। तो ये जो लेस हुआ ना, डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी हुई ना, दैट इज कॉल्ड डीपीडी। आप देख रहे होंगे डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस स्टर्गर प्रेशर। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रेशर है जो वाटर को किसी भी सेल के अंदर इंटर करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करता है, और इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप देख रहे हैं द कंसंट्रेशन है, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब डीपीडी भी बढ़ जाएगा। इसको हम लोग एक कंडीशन के थ्रू समझ सकते हैं। हमने क्या किया, दो सेल ले लिया, एक सेल जो ए है और दूसरा सेल जो है वो बी है। ये दोनों सेल में आप देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है -20 bar, जबकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है -18 bar। अगर मैं टर्गर प्रेशर को देखूं तो इसका टर्गर प्रेशर है 4 bar और इसका टर्गर प्रेशर है 2 bar। ये दो अलग अलग कंडीशन मैंने डेवलप कर दिया है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर -20 bar जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कंडीशन ए में, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली कम है, जबकि इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर मैं बात कर रहा हूं सॉल्वेंट मटेरियल का, तो सॉल्वेंट मटेरियल जो है वो इसमें क्या है, ज्यादा है। सॉल्वेंट मटेरियल ए में ज्यादा है, जबकि इसमें सॉल्वेंट मटेरियल कंपेरेटिवली कम है। सो जब सॉल्वेंट मटेरियल इसमें ज्यादा है ए में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं डीपीडी के हिसाब से इसका सॉल्व करता हूं इस सिस्टम को, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू -20 है, टर्गर प्रेशर -4, देन वी हैव 24 bar। जबकि आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन बी का अगर हम लोग देखें, कंडीशन बी में, बी सेल को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो बी में क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा कितना है -18 bar और टर्गर प्रेशर कितना है 2 bar। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 20 bar। तो डीपीडी के हिसाब से जो वाटर का मूवमेंट होता है ये फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी भी होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए में सॉल्वेंट मैटर क्या है, ज्यादा है, जबकि बी में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम है, तो सॉल्वेंट का ट्रांसफर क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा, या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी होगा।